पूरे देश के साथ साथ झारखंड में भी कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिला प्रशासन अब हरकत में आ गया है। खास करके बस स्टैंड, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पर बाहर से आने वाले यात्रियों की विशेष तौर पर कोरोना जांच की जा रही है। बस स्टैंड पर कोरोना जांच नहीं होने को लेकर होली के समय में ईटीवी भारत की टीम ने भी खबर चलाई थी कि बस स्टैंडों पर बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना जांच नहीं हो रहा है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और बस स्टैंड पर एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति की गई और अब जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं उनका कोरोना जांच किया जा रहा है और बस परिसर को नियम पूर्वक सैनिटाइजेशन भी की जा रही है। खादगढ़ा बस स्टैंड पर खबर चलने के बाद बाहर से आने वाले यात्रियों की हो रही जांच को लेकर स्टैंड पर कार्यरत कर्मचारी और आने जाने वाले यात्रियों ने ईटीवी भारत की टीम का धन्यवाद अदा किया। ईटीवी पहले भी खबर चलाए थे, प्रशासन जांच अभियान तेजी से चला रहे हैं, उसको देखते हुए जिला प्रशासन के आदेशानुसार 5-6 जगह पे एक स्पेशल टीम को लगाई गई है। जैसे बस स्टैंड खादगढ़ा, आईटीआई बस स्टैंड, यहाँ पे दो तरह के टेस्ट हो रहे हैं, एक एंटीजन एक आर्टिफिशियल। और यहाँ पे बस स्टैंड खादगढ़ा में रोज़ाना लगभग 200 से 250 टेस्टिंग हो जा रहा है। बस स्टैंड परिसर में कोरोना जांच का टीम आ जाती है और जो सुबह से ही बस हमारा बाहर से आता है या यहाँ से जो बसें खुलती है उस सारे बस में, एक एक बस में जो खुलने वाली है उसमें घुस घुस के पहला तो मास्क चेक किया जाता है और जो व्यक्ति बाहर से आते हैं उन लोगों को स्वेच्छा से अनाउंसमेंट चालू रहता है, उन लोगों को स्वेच्छा से बुला करके निःशुल्क जाँच हो रही है, कोरोना का जाँच कराया जाता है। सख्त है और प्रशासन के दिशा निर्देश के आलोक में हमारे खादगढ़ा बस स्टैंड में प्रतिदिन सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 11-12 बजे तक COVID-19 का टेस्ट हो रहा है। जो भी गाड़ियां बाहर से आ रही हैं, जो भी बसें बिहार, बंगाल या उड़ीसा से, उन पैसेंजरों को रिक्वेस्ट करके उनका COVID-19 का टेस्ट कराया जाता है, सैंपल लिया जाता है। और मेरे स्तर से सभी को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि सभी लोग मास्क पहने, उचित दूरी बना कर रहें।